हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के साथ 4.5 साल तक सरकार चलाने वाली जननायक जनता पार्टी अब बिखराव की ओर बढ़ चली है। जजपा के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, राष्ट्रीय महासचिव कमलेश सैनी व पूर्व विधायक सतविंदर राणा के पार्टी छोड़ने के बाद कई मौजूदा विधायक दल बदल को तैयार बैठे हैं। जजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के नाते पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी के नाराज नेताओं को मनाने के सारे प्रयास फेल हो चुके हैं। भाजपा जजपा गठबंधन के सूत्रधार रहे कैप्टन मीनू बेनीवाल भी भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। इससे निराश दुष्यंत चौटाला को अपने एक्स हैंडल पर लिखना पड़ा कि जब जंग अपनों से हो तो हार जाना अच्छा होता है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल लोकदल में टूट के बाद जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ था। इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला और पोते दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल हैं, जबकि छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला के हाथों में इनेलो की बागडोर है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जननायक जनता पार्टी में होने वाले बिखराव का अब सत्तारूढ़ भाजपा को पूरा फायदा मिल सकता है। आपको बता दें कि इनेलो से अलग होने के बाद जननायक जनता पार्टी ने वर्ष 2019 में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ा था। जननायक जनता पार्टी ने 7 और आम आदमी पार्टी ने 3 लोकसभा सीटों पर हरियाणा में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी और इनेलो के प्रत्याशियों को मात देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की थी। इसके बाद वर्ष 2019 में ही हुए विधानसभा चुनावों में जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटों पर विजय हासिल की और भाजपा के साथ सरकार चलाई तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने। इन 4.5 साल के कार्यकाल में जननायक जनता पार्टी के आधा दर्जन विधायक न केवल भाजपा के रंग में रंगते चले गए, बल्कि मौका मिलने पर किसी भी समय भाजपा में शामिल भी हो सकते हैं। कुछ विधायक कांग्रेस के नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, उन्हें जहां फायदा नजर आएगा उस दल में वे शामिल हो जाएंगे। भाजपा और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन टूटने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जजपा में जबरदस्त तरीके से सेंधमारी की है। इसका असर ये हुआ कि जजपा के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह समेत कई नेता दुष्यंत चौटाला का साथ छोड़ चुके हैं। जजपा के 10 विधायकों में शामिल पूर्व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, रामकुमार गौतम, रामनिवास सुरजाखेड़ा, चौधरी ईश्वर सिंह व जोगीराम सिहाग कभी भी पाला बदल सकते हैं। देवेंद्र बबली मनोहर लाल खट्टर के काफी करीबी भी माने जाते हैं। यहां आपको बता दें कि जहां हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी बिखराव की कगार पर है, वहीं अब कई गांवों में दुष्यंत चौटाला के विरोध के बाद अब अजय सिंह चौटाला का भी विरोध हो रहा है। जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला को बीते दिन मंगलवार को भिवानी के गांव कुगड़ विरोध का सामना करना पड़ा। लोग गाड़ी के आगे अड़ गए और उन्हें काले झंडे दिखाए। विरोध कर रहे राजेश कुगड़ का कहना था कि किसान आंदोलन में अजय ने किसानों को बीमारी बताया था। अजय की गाड़ी को वापस लौटाया गया। वहीं अजय सिंह चौटाला ने जननायक जनता पार्टी छोड़कर विभिन्न राजनीतिक दलों में जाने वाले नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि कौन आता है कौन जाता है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वो लोग हैं जिन्होंने सदैव पहली क्लास से शुरू किया और बीए तक पहुंचे। इससे पहले दुष्यंत चौटाला ने भी कहा था कि जननायक जनता पार्टी छोड़कर जाने वालों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं इसी बीच जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव रमेश गोदारा ने भी इस्तीफा दे दिया। अब बदली परिस्थितियों में अजय चौटाला ने संकेत ये तक दे दिए कि यदि इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला चाहे तो इनेलो व जननायक जनता पार्टी एक हो सकते हैं, परंतु अभय सिंह चौटाला इसके लिए तैयार नहीं है, जिसका सीधा फायदा इन चुनावों में भाजपा को मिलने जा रहा है।